हे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपके यहाँ कोई विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन का स्कीम का लाभ ले रहा है तो आप उसके खाते में धनराशि देख सकते हैं कि कितनी किस्त आई हुई है। और इसको चेक करने के लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा, वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। तो दोस्तों कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक का। जिसे आप देखेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि जो है लाभार्थी को कितनी किस्त आई हुई है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि किस तरह आपको चेक करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है SSPY, ठीक है, और जो पहले लिंक मिलेगी उस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको दिख जाएगा वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए हमें वृद्धा पेंशन चेक करनी है, योजना के विषय में क्लिक करेंगे, इसके नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर पेंशनवार सूची देखेंगे, क्लिक कर देंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मैंने बस्ती सेलेक्ट कर दी है। इसके बाद में आपको अपना विकासखंड यानी कि आपका ब्लॉक चेक करना है। यहाँ से आप अपना गाँव सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी गाँव होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत कौन सा है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ओपन करने के बाद में यहाँ पर नाम आ जाएगा कि किन के खाते में कितनी राशि आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर 3000 रुपये, 3000 रुपये जो भी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धा पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है, कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें, ठीक है। तो ऐसे आप इतने आसानी से चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो